প্রতিশ্রুতি কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহৰ। শান্তি স্থাপনৰ বাবে অমিত শাহে বিচাৰিলে 15 দিনৰ সময় আৰু আজি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সবিশেষ জনাব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। অশান্তি জৰ্জৰ মণিপুৰত 4 দিন ধৰি যুদ্ধ গতিৰে পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা আৰু সমাধানৰ উপায় বিচাৰিছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সর্বাধিক হিংসা জৰ্জৰ চুৰাচান্দপুৰ জিলা ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে মৰে আৰু কাংপোকপি জিলা ভ্ৰমণ কৰে অমিত শাহে। জিলাকেইখনত ভুক্তভোগী লোকসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব আৰু ৰাজনৈতিক নেতাকো অমিত শাহে সাক্ষাৎ কৰে। ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে মণিপুৰৰ নাগৰিক সমাজ মহিলা সমাজৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয়। একে সময়তে কুকি আৰু মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠনসমূহৰ সৈতেও পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে অমিত শাহে। কোনো পৰিস্থিতিতে মণিপুৰৰ ভৌগোলিক অখণ্ডতাৰ আপোচ কৰা নহ'ব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে শ্বাহে। চুৰাচান্দপুৰ মৰে কাংপোকপিৰ গৃহহীন লোকক পুনৰ সংস্থাপনৰো আশ্বাস দিয়ে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মণিপুৰত স্থায়ী শান্তি সমাজ স্থাপনৰ বাবে কি সমাধান সূত্ৰ উলিওৱা হৈছে সেই বিষয়ে হয়তো আজি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিব অমিত শ্বাহে। 11 বজাত সংবাদমেল সম্বোধন কৰাৰ কথা। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সংবাদদাতা কমলিকা সেনগুপ্তাৰ সৈতে। কিয়া জানকাৰী হে আপকে পাছ? देखिए कुछ देर में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है और उसका एक बुरा इंतजाम हो गया है। क्या अमित शाह बोलते हैं, किस तरीके से शांति यहाँ पे आएगा, शांति का क्या थ्योरी है, ये पता चलना बहुत जरूरी है। अमित शाह ने हर एक स्टेक होल्डर से बात किया, वैली के लोगों से बात किया, हिल्स के लोगों से बात किया, मेसी से बात किया, कुकीज से बात किया, जो सीएसओ है उससे बात किया, सारे सिविल सोसाइटी के लोगों से बात किया। अब क्या आ रहा है, क्या समाधान आ रहा है वो देखने को मिलेगा 11 बजे। क्या बोलते हैं अमित शाह, उसी के ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं सब जी। 11 बजे प्रेस मीट वो संबोधन किया करेगा, 11 बजे करने वाला है और पूरा इंतजाम हो गया है जी। और ये संबोधन करने के बाद में वो वापस दिल्ली के ओर रवाना होंगे। आज भी सुबह सुकनू में फायरिंग का एक्सीडेंट का खबर आया है। हालांकि अमित शाह आने के बाद में जो हिंसा की घटनाएं है वो काफी कम हुआ है जी। पर हिंसा बंद क्या हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है और वही सबसे बड़ी चिंता की विषय है। पर अमित शाह लगातार बैठक किया है, 72 घंटे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ दिन रात बैठक किया है। चूड़ाचंद्रपुर, कांगपोखरी, मोड़े, सारे जगह पे वो पहुंचे हैं। कोमोलिका जयंत कोमोलिका, लेकिन अमित शाह ने एक बात क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर है कि मणिपुर को तोड़ा नहीं जाएगा। मणिपुर ओन बी डिवाइडेड इन द लाइन ऑफ एज डिमांडेड बाय द कुकी कम्युनिटी, इजंट इट? या कोई जवाब ही नहीं होता है मणिपुर की, साथ ही साथ कोई इनजस्टिस किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये बात भी उन्होंने बोला है। तो काफी बैलेंस उनका विजिट जो है काफी बैलेंस है, क्योंकि सारे पक्ष से उनको मिल चुके हैं। वो देश के गृह मंत्री है, उनके लिए मैत्री जितना महत्वपूर्ण है उनकी लोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यही मैसेज वो देना चाहते हैं, ऐसा ही एक्सपर्ट का कहना है। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होना है, तब पता चलेगा कि क्या वो बता रहे हैं जी। कमोलिका, जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ये बात बताया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। तो आपने बताया कि अमित शाह जब से मणिपुर गया है तब से मणिपुर में हिंसा थोड़ी कम होते जा रहा है, सभी लोग आशा करते हैं कि जल्द ही मणिपुर में शांति विराजमान होगी। तो इस वक्त हम जानना चाहेंगे कि 144 जो इम्पोज किया गया था तो क्या वो पूरी तरह विथड्रॉ करने का कुछ संभावना है? देखिए अभी नहीं लग रहा है क्योंकि शांति अभी भी नहीं आई है। ये फिलहाल नहीं होगा ऐसे ही कहा जा सकता है जी।
बहुत बहुत शुक्रिया कमलिका इस वक्त की ये जानकारी हमें देने के लिए। और सिया आमार सांबादिक कमलिका सेनगुप्ता एघार बजा संबद मेल सम्बोधनर प्रस्तुति प्राय सम्पूर्ण और इतिम्य कमलिका आम जानसे पीस थियोरी के शांतर समाधान सूत्र उलिवा विषय हूं संबद माध्यम अवगत केन्द्रीय गृहमंत्रीगढ़ तरह किसु समय अपेक्षा लगे आम खबरधार अब्याहत राखीम लो आन एटी चमु वाणिज्यिक विरती केवल स्ट्रॉंग नहोय